एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल सुभाष कॉर्नर। मेरे आज की वीडियो में मैं आपके लिए वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स का कलेक्शन लेकर आई हूँ जो कि हमने मंगवाया था सिर्फ और सिर्फ अमेजोन से। ब्रांड नेम बताना चाहूँगी, इट इज MARMIX, मार्मिक्स इज ब्रांड नेम। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको सभी प्रोडक्ट्स का, एंड आप कुछ भी बाय करना चाहे तो आराम से इजिली बाय कर पाएंगे। सो चलिए देर ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट की बात करूँ तो बहुत सिंपल प्रोडक्ट से स्टार्ट करूँगी। जैसे कि गर्मी का सीजन चल रहा है तो ये आइस क्यूब मोल्डर है जो कि सिलिकॉन का है। इसमें आप अपने हिसाब से कोई भी फ्लेवर का जूस डालिए, पानी डालिए, लेमन जूस डालिए, कुछ भी डालिए, इसे फ्रीज करिए और इसके क्यूब्स जो है ना रेडी हो जाएंगे ना, आप इसी गर्मी में इसे पी पाओगे एंड यू फील सो रिलैक्स्ड। सिलिकॉन का बना होता है, इसके साथ इसका कवर भी आता है जिसे आप इजीली से ऐसे कवर कर पाएंगे एंड यू कैन यूज़ इट। एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ये बहुत लाइट वेट है एंड बहुत ईजी टू यूज़ है। तो ये था हमारा प्रोडक्ट नंबर वन। प्रोडक्ट नंबर टू की बात करूँ तो मैंने एक और आइस क्यूब मेकर मंगाया है, यानी कि इसमें जो आइस क्यूब बनेंगे वो बड़े वाले बनेंगे, यानी कि वो हमने छोटे वाले हेक्सागन शेप के आपको बताए थे, अभी मैं आपको एक राउंड शेप का बताने लगी हूँ। आपको बस ऐसे लेना है एंड इसमें आपको डायरेक्टली, यानी कि पानी का अगर आप चाहते हैं आइस क्यूब बनाए तो पानी डालिए, जो चाहे वो डालिए एंड आपके राउंड शेप के आइस क्यूब्स बनकर रेडी हो जाएंगे। ये जो है ना, अगर आपके घर पर गेस्ट आ रहे हैं तो आप करेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक आएगा। एंड हम घर पर नहीं जमा पाते हैं राउंड शेप का या फिर राउंड हम आइस नहीं बना पाते, तो ये आप ले सकते हैं मोल्डर, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट एंड ये भी हमें सिलिकॉन का मिलेगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। मैंने दो लगेज बैग्स मंगाए थे। अगर हम लगेज बैग्स की बात करेंगे तो ये ट्रैवल के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप कहीं ट्रैवलिंग में जा रहे हैं, आपके पास बेबी है एंड आपके पास बेबी के कपड़े रखने के लिए कोई बैग नहीं है, तो आप ये बिल्कुल बेझिझक ले जा पाएंगे। एक तो मैं इसे ओपन करके पहले दिखाना चाहूँगी कि ये दिखने में होता कैसा है। ये दिखने में कुछ इस तरह से होता है, ये वाटरप्रूफ होता है, यानी कि इसमें से वाटर लीक होने का कोई चांस नहीं। ये इसका जो बैग है ना, मैं ओपन करके आपको दिखा रही हूँ, ये कुछ इस तरह से, इतनी ज़्यादा इसमें स्पेस होती है, इजीली आप इसमें कैरी कर पाएंगे। फ्रंट में एक छोटी सी जिपर आती है फ़ोन वगैरह रखने के लिए, या फिर अगर आप चाहें तो अपने बिलोंगिंग्स रख सकते हैं। एंड इसके साथ ये हैंडल आती है कैरी करने के लिए। यही सेम हमने दूसरे और एक कलर में मंगाया, ये हमने कॉम्बो मंगाया, तो ये वाला पीस भी आप ले सकते हैं अपने कपड़े वगैरह ले जाने के लिए। अभी एक और मैं आपके लिए ट्रैवलिंग के लिए जो सूटेबल होता है ना, वो वाला पाउच दिखाऊंगी, यानी कि ये पाउच टाइप होता है। ये जैसे कि हमने बैग बताया ना, ये आपको पाउच टाइप मिल जाएगा। ये जो है ना एक बॉक्स होता है, हमें बस इसे ओपन करना है। इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस, यहाँ देखिए, पहले तो इसमें इतने सारे सेक्शंस है, ये आपको इसके नीचे डालना पड़ेगा एंड ये ईजिली आप देखिए यहाँ पर। पहले तो सेक्शंस दिखाना चाहूँगी आपको, ये आप इसमें इतने सारे सेक्शंस देख पा रहे होंगे। आप अपने हिसाब से इसमें चीज़ें ऑर्गेनाइज करके ले जा सकते हैं बहुत इजीली। इसमें आपको ये बस डालना होता है, यानी कि ऐसे करके हमें इसमें फ़िक्स करना होता है एंड ये जो है ना इजीली आप इस यूज़ कर पाएंगे। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट लगा एंड इसके साथ इसका कवर भी है, तो ये इस पर ऐसे स्टिक भी हो जाएगा, जो कि मैं भी करके दिखाऊँगी आपको। ये देखिए, हमने इसे स्टिक भी कर लिया, तो ये इस तरह से बनता है। आप इसमें अंडरगारमेंट्स वगैरह इजीली ले जा पाएंगे क्योंकि इसमें सेक्शंस है, बच्चों के अंडरगारमेंट्स भी ले जा सकते हैं। तो ये वाला भी एक प्रोडक्ट हमने मंगाया था। नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करेंगे तो मैंने एक छोटा सा स्टेनलेस स्टील का, यानी कि डबल लेयर का, हमने जो होल्डर होता है ना सोप होल्डर, वो मंगाया है। अगर आप इसे देखेंगे तो इसके साथ आपको ये स्टिकर आएगा जिसकी मदद से ये ईजीली ऐसे हैंग हो जाएगा, बिना टेंशन आप इसे विदाउट ड्रिलिंग ऐसे हैंग कर पाएंगे। बस ये स्टिक इसमें आपको लगाना है एंड देन ये ऐसे हैंग हो जाएगा। ये स्टेनलेस स्टील का है, रस्ट प्रूफ होता है, तो ये भी आपको मिलेगा। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करेंगे तो मैंने, जैसे कि एक आपको स्टिकर बताया, ऐसे मैंने होल्डर्स यानी कि हुक्स जिसे कहते हैं ना, ये देखिए हुक्स का हमने कॉम्बो सेट मंगाया है। ये जो हुक्स है ना, आप इजीली इसे बस आपको वॉल पर लगाना है एंड आपको इसमें ऐसे हुक अटैच करना है, जैसे कि मैंने कर दिया। वाओ, दिस इज़ सच अ यूज़फुल प्रोडक्ट। आप ऐसे भी कर सकते हो, यानी कि ये वाला जो होता है ना, ये सभी में फ़िक्स नहीं होता बट ये होता है हुक, तो इसके साथ ये लोग हुक्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप ये भी ले सकते हो। ये भी काफ़ी अच्छा आइटम है एंड इससे क्या होगा कि रीज़नेबल प्राइसिंग में आपको ये बेनिफिट होगा एंड मिल जाएगा। तो ये भी एक प्रोडक्ट हमने मंगाया था। और एक है कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल बट बहुत ज़्यादा यूज़फुल प्रोडक्ट बता रही हूँ,
जो कि प्लास्टिक के बास्केट्स यानी कि 3 baskets का ये कॉम्बो है। ये देखेंगे तो इसके तो बहुत से बेनिफिट्स हैं। पहले तो ये मल्टीपर्पज़ बास्केट है एंड ये हाई क्वालिटी से बनाया गया, ईजी टू क्लीन है। इसमें होल्स बनाए गए हैं साइड्स में, यानी कि ब्रीथेबल होल्स है। इसमें आप फ्रूट्स रखिए, वेजिटेबल्स रखिए, दवाइयाँ रखिए, फ्रिज में रखिए, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कीप योर कैन की। तो ये भी आपको रिजनेबल प्राइसिंग में कॉम्बो मिल जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रोडक्ट की बात कर रही हूँगी तो वो है एक चॉपिंग बोर्ड जो कि हर घर में होता है। ये मीडियम साइज़ का है। इसके कुछ पॉइंट बता दूँ तो ये नेचुरल सिलेक्शन ऑफ कंपनी है। प्रोडक्ट क्वालिटी जो है ये बैम्बो रॉ मटेरियल से बनाया जाता है। हाई टेम्परेचर पर इसे डिज़ाइन किया जाता है। स्ट्रॉन्ग है, मॉडर्न है एंड इसे ड्यूरेबल कहा गया, यानी कि ये बहुत ड्यूरेबल भी है। हाई क्वालिटी बैम्बू से ये बनाया गया है, बैम्बू वुड से, तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो ये सारा कलेक्शन आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ अमेजोन पर। ब्रांड नेम है मार्मिक्स, लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो ज़रूर चेक करना। हम मिलेंगे आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।